हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोटोमोटिव वंस अगेन। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे एक ब्यूटीफुल सा मशीन खड़ा है, ओला S1 Pro। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान डिटेल्स में इस बाइक के बारे में बात करेंगे एंड क्या कुछ इसमें ऑफर करता है कंपनी की तरफ से, कितना इसका प्राइस है, कितना ये आपका रेंज दे देगा एंड क्या क्या इसमें इलेक्ट्रिकल फीचर स्पेसिफिकेशन क्या क्या भर भर के है इस बाइक में, तो सब कुछ आज के इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। इनकेस आप लोग अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जो उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे और एक्साइटिंग वीडियोस जो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए ना। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है ओला S1 Pro एंड ये जो कलर है जेट ब्लैक कलर में है। टोटल इसमें आपको 12 कलर ऑप्शन मिल जाएगा एंड वेरिएंट की मैं अगर बात करूँ तो एक ही वेरिएंट है इस बाइक में। तो बेसिकली ये जो है S1 Pro ओला S1 का एक प्रीमियम वर्जन है एंड ओला S1 और S1 Pro में क्या डिफरेंस है, इसमें बॉडी फ्रेम जैसी सब कुछ सिमिलर मिलेगा, बस कुछ इलेक्ट्रिकल एंड स्पेसिफिकेशन वाइज कुछ चेंजेस मिलेगा। जैसे मोटर पावर इसमें थोड़ा इन्हांस कर दिया गया, बहुत कुछ इलेक्ट्रिकल फीचर जो एक्स्ट्रा दिया गया, बाकी लुक देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक एंड ये S1 एंड S1 Pro सेम लुक कैरी किया है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है जेट ब्लैक कलर में। बाकी 12 कलर ऑप्शन है आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, वहाँ से आप चूज कर सकते हैं आपका कौन सा फेवरेट कलर है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी ओवरव्यू में आ जाते हैं, सेम फ्रेम के ऊपर बेस करके बनाया एंड सामने में देख सकते हैं ट्विन प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प मिल जाता है जो कि अगेन सेम लुक कैरी किया ओला की तरफ से। उसके साथ फ्रंट पैनल में आपको ओला का पैजिंग मिल जाता है। बाकी जेट ब्लैक एंड जो ग्लॉसी ब्लैक है इसमें तो बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। एंड फ्रंट का जो सस्पेंशन के बारे में मैं अगर बताऊं तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो एक अगेन यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो ओला का प्रीवियस वर्जन था ओला S1 का, जिसका फ्रंट में सस्पेंशन टूट जाने का बहुत कंप्लेन आया है एंड ओला ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके भी दिया है। तो ओला का कहना है कि इस वाले जो वेरिएंट अभी लॉन्च किया अपडेट करने के बाद, इसमें वो वाला कंप्लेंट कस्टमर की तरफ से नहीं आ रहा है। तो होप कि वो प्रॉब्लम ओला ने क्रैक कर लिया है एंड कस्टमर के लिए भी हैप्पी मोमेंट है। तो सामने में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है साइड सिंगल माउंटेड एंड फ्रंट का जो व्हील है आपको 12 इंच का व्हील मिल जाता है। एक वाइडर सेक्शन का व्हील यहाँ पर ओला ने प्रोवाइड किया आपको, सामने में 110/70 सेक्शन का 12 इंच ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया है सामने में, मतलब वाइड है एंड अलॉय का पैटर्न भी देख सकते हैं, एक यूनिक पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। C8 की तरफ से टायर मिल रहा है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है एंड फ्रंट में आपको लाइक दोनों ही जो व्हील है उसमें आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। लाइक फ्रंट में आपको 220mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है डुअल पिस्टन कैलिपर एंड रियर में भी आपको एक वाइडर सेक्शन का टायर मिल जाता है। तो आप रियर में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 12 इंच का व्हील मिल जाता है एंड 110/70 कि दोनों का जो व्हील का सेक्शन है आपको सेम व्हील सेक्शन के ऊपर मिल जाता है 110/70 12 इंच का ट्यूबलेस टायर। यहाँ पे भी C8 का टायर प्रोवाइड किया है एंड यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, आपको 180mm का डिस्क मिल जाता है। तो यूजुअली हम लोग स्कूटर्स में देखते हैं कि आपको सिंगल डिस्क मिलता है, रियर में ड्रम मिलता है, पर इसमें आपको दोनों ही जो व्हील है आपको डिस्क ब्रेक का ऑफर कर रहा है कंपनी की तरफ से। बाकी रियर सेक्शन में आप देख सकते हैं जो टेल लैंप है अब ये पूरा LED सेटअप के साथ आता है, टर्न इंडिकेटर भी आपको LED में मिल जाता है साइड में एंड फ्रंट का जो टर्न इंडिकेटर है वो काफ़ी खूबसूरत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से इसको साइड पैनल में माउंट किया गया है। एक लुक इसका एक प्रीमियम वाला लुक आता है बट प्राइस जैसे मैंने बताया इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता का आएगा 1,70,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। आपको अगर आपका सिटी का अप्रॉक्सीमेट प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका सिटी का नाम बता सकते हैं, मैं आपका सिटी का जो अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस आएगा ज़रूर बता दूंगा। तो ये था व्हील एंड ओवरव्यू। बाकी इसमें आपको डिक्की भी मिल जाता है जो इसमें आपको लाइक 30-35 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, वो मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा ज़रूर ना, वो आ जाता है साइड सेक्शन में। तो इसमें आप देखेंगे इसका इसमें आपको बेसिकली सेंटर स्टैंड नहीं मिलता, एक ही स्टैंड मिलता है साइड स्टैंड, जो कि अगेन एक प्रीमियम लुक एक क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही स्लीक एंड स्लिम सेक्सी टाइप का आपको मिल जाता है। बाकी फुट स्पेक बात करें, ये भी बहुत खूबसूरत से जो पिलियन फुट स्पेक है वो आपको बॉडी के अंदर माउंट किया हुआ है, इसको आपसे पुश करेंगे तो ये बाहर निकल, ये बेसिकली एल्यूमिनियम का है ब्लैक कलर में एंड इसका जो डिज़ाइन किया है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है जो इसका बॉडी के साथ एकदम फिट हो जाता है। आपको लाइक दोनों साइड में अलग से ग्लैब रेल दिया गया है जो कि इसका एक डिज़ाइन कैरी करता है एंड सीट की मैं अगर बारे में बात करूँ तो बहुत ही आपको वाइडर सीट मिलता है
एंड लाइक कम्फर्ट इसमें बहुत अच्छा मिलने वाला है राइडर को भी और पिलियन को भी, क्योंकि इसका जो वाइड है आप देख सकते हैं मेरा हाथ रखा हुआ है उसके बाद भी कितना सारा जगह है। यूजुअली बाइक या स्कूटर खरीदते हैं तो इतना ज़्यादा स्पेस हम लोगों को नहीं मिलता जो कि ओला एस वन में मिल रहा है। मोटर के बारे में बात करें इसमें तो नियरली 4 kWh का आपको इसमें बैटरी पैक मिल जाएगा जो नियरली 8.5 kW का जो है पावर जनरेट करता है ये वाला मोटर। एंड जो टॉर्क के बारे में बात करें तो 58 Nm का टॉर्क इस वाला स्कूटर से आपको मिल जाएगा। इसमें आपको देख सकते हैं रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, तो पीछे आपको यहाँ पे जो है चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो एस वन प्रो इसके ऊपर आप पुश करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। नो चार्जिंग का टाइम जो कंपनी क्लेम करता है जो नॉर्मल चार्जर है उसमें से आपको लाइक 6.5 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। एंड जो फर्स्ट चार्जर है उसमें कंपनी क्या है 30-45 मिनट्स के अंदर ये जो है फर्स्ट चार्ज हो जाता है। ये चार्जर पैक इंक्लूडेड है पर फास्ट चार्ज जो है वो आपको होम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें नहीं होगा, जो चार्जिंग स्टेशन से बाहर उसमें आपको फास्ट चार्ज सिर्फ अवेलेबल है। बाकी इस वाले चार्जर में आपको 6.5 आवर्स के आसपास इसमें टाइम लग जाएगा। नाउ ये तो गया चार्जिंग टाइम, नाउ इसमें माइलेज क्या यानी रेंज कितना आएगा जो राइडिंग रेंज, कंपनी का कहना है कि स्कूटर में एक बार अगर फुल चार्ज करते हो तो नियरली आपको 180 किलोमीटर के आसपास जो है राइडिंग रेंज मिल जाएगा, पर मेरे ख्याल से कहीं 150-160 किलोमीटर का रेंज भी स्कूटर के लिए बहुत अच्छा एक रेंज रहने वाला है। और कंपनी वारंटी भी प्रोवाइड कर रहा है स्कूटर के ऊपर, आपको ले ली 3 ईयर्स का अनलिमिटेड किलोमीटर का वारंटी है बैटरी के ऊपर 3 ईयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर का वारंटी, एंड मोटर के ऊपर जो वारंटी है 4 ईयर्स या फिर 4000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, वो मैं आपको डिस्प्ले में डाल दूंगा जो वारंटी है डिटेल्स आप डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं। ये तो गया मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन, अब आ जाता है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन में जो कि बहुत कुछ है स्कूटर में आपको एक्सप्लोर करने के लिए। मोबाइल ऐप के साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। बाकी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो स्कूटर का ये कीलेस स्कूटर है, इसमें आपको कहीं पे भी की एंट्री नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे कोई पे भी आपको की का सॉकेट या एंट्री नहीं है। यहाँ पे कन्वीनियंट आपको पॉकेट मिल जाता है दोनों साइड में, आपका वॉलेट तो शायद नहीं आएगा, मोबाइल बहुत आसानी से आ जाएगा। एंड इसमें आपको रावर का ग्रिपिंग दिया है ताकि आपका जो मोबाइल रखे तो उसमें एडिशनल कोई एक्स्ट्रा कैचेस वगैरह ना आए। एंड यहाँ पे आपको एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आपका कन्वीनियंट के लिए, तो ऑन द गो आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे और एक आपको कन्वीनियंट हुक मिल जाता है आपका छोटा मोटा लाइट सामान जो है वो कैरी करने के लिए, एंड नीचे यहाँ पे जो हुक मिलता था वो नहीं है। बाकी बूट स्पेस मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए जो है स्कूटर को ऑन करना होगा, कोई की नहीं है। यहाँ पे बटन बहुत कुछ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम लो एंड हाई कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले बटन, इस साइड में आपको रिवर्स, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है इंस्ट्रूमेंट पैनल में। तो चलिए इसको ऑन करते, तो ऑन करने के लिए सबसे आपको या तो आप स्मार्टफोन से ऑन कर सकते हैं या फिर इसमें पासवर्ड डाल सकते। तो सबसे पहले ये पावर ऑन किया, आप शायद डिस्प्ले में देख सकते हैं, तो ये पासवर्ड मैंने डाल दिया, नाउ ओपन हो गया जो कि पार्किंग है। तो यहाँ पे आपका नाम का वेलकम आएगा है, जैसे स्कूटर ऑन होता है जब ये भी साइड स्टैंड पे है तो ये आपको पार्किंग सेंसर दिखा रहा है। तो बाकी मैं आऊँगा, सबसे पहले बूट ओपन कर लेता है, यहाँ से सिंगल टच, ये टच स्क्रीन है तो यहाँ पे बूट ओपन करेंगे, ओपन हो गया तो इस साइड में आ जाता है बूट स्पेस में, तो आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल फेस हेलमेट तो नहीं आएगा, हाफ हेलमेट बहुत आसानी से आ जाएगा और भी बहुत कुछ। यहाँ पे चार्जर आ जाता है, उसके बाद भी बहुत जगह रह जाता है यहाँ, तो आप कुछ अपना सामान ऑब्वियसली कैरी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा स्पेस मुझे यहाँ पे लगा स्कूटर में, जो कि अदर्स कोई जो पेट्रोल वेरिएंट स्कूटर है उसमें नहीं मिलता था। तो बूट ओपन कर दिया, यहाँ पे आपका आ गया नोटिफिकेशन। बाकी ये टच स्क्रीन है तो यहाँ पे बहुत कुछ आप कर सकते हैं, शायद आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग में जाके डिस्प्ले सेटिंग, ब्राइटनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइट यहाँ पे डार्क लाइट, ओके तो ऑटो बहुत कुछ है कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस कितना चाहिए आपको वो भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फुल कर दिया। बाकी ब्लूटूथ सेटिंग, वाईफाई सेटिंग, साउंड, लाइट, राइडिंग, बैटरी, तो बैटरी का यहाँ पे दिखा रहा है, वाइब्रेशन मोड हो रहा है। यहाँ पे पासपोर्ट आप चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सिस्टम अपडेट, अबाउट में आ जाते हैं, तो अबाउट में है अब अभी तक 124 किलोमीटर रन हुआ, परचेस किया, ये रजिस्ट्रेशन डेट, तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड बाकी इस जगह पे म्यूज़िक कंट्रोल है, ब्लूटूथ पेयर करके आप इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं ऑन द गो। यहाँ पे नेविगेशन है, रियल टाइम नेविगेशन सिस्टम, जैसे मैं अगर अभी कहीं जाना चाहूँ तो चाहे मैं कहाँ जाऊँगा, चाहे सियालदह, तो सियालदह सर्च करते ही आपको रियल टाइम में
आपको दिखा देगा। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ गाइस, यहाँ पे आपका कोई भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी आपको मैप जो है यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो आपको राइडिंग, हम लोगों को मोबाइल होल्डर लगा के मोबाइल देखते तो यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाता है, यहाँ पे एग्जिट कर, तो ये बहुत एक टैब टाइप का ही है इतना बड़ा। तो और भी बहुत कुछ है इस जगह पे, होम पे आ जाता है, पार्किंग, यहाँ पे ब्लूटूथ प्ले म्यूज़िक, और भी बहुत कुछ है। तो ओला ऐप से आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी स्टेटस है, 44% बैटरी है। इको मोड, इसमें बेसिकली चार मोड आपको मिल जाता है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर, चार मोड आपको मिल जाता है। मोड के हिसाब से पावर कंजम्पशन ऐसे होता है। देन इसमें आपको राइडिंग रेंज भी दिखाता है, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा 63 km का राइडिंग रेंज में टैप करते तो आपको दिखा रहा है 44% जो है बैटरी चार्ज है, एंड अगेन 63 ये चेंज कर सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ व्लूटूथ बहुत कुछ है, यहाँ पे रिवर्स का स्विच जैसे मैंने बताया ना। इस गाड़ी को मैंने 10 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ड्राइव किया एंड उसमें जो मुझे फीडबैक लगा उसका राइडिंग रिव्यू ज़रूर लेके आऊँगा मैं चैनल में। तो मुझे, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर ये स्कूटर आप लेने की सोच रहे होंगे तो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कह सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्विक पॉइंट्स में। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है आपको फ्यूल इकोनॉमी का, क्योंकि इसमें जो इकोनॉमी रहेगा आपको तो फ्यूल कॉस्ट सेव हो ही जाएगा। जितने में आपका महीने में एक पेट्रोल बाइक में जो है फ्यूल जाता है उतने का आप ईएमआई दे देंगे, बाकी ये पूरा सेव हो जाएगा। तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी ऑब्वियसली है ना। इको फ्रेंडली है, आप ऑन द गो आप 180 किलोमीटर का आपको अप्रॉक्सीमेटली रेंज जो कंपनी क्लेम करता है, बाकी 150-160 इजीली आपको स्कूटर से मिल जाएगा। राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, मैंने 10 किलोमीटर तक राइड किया इसमें। सस्पेंशन फीडबैक जो है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप बात करते पेट्रोल बाइक जो मैं चलाता हूँ उसके हिसाब से इसका राइडिंग जो सस्पेंशन फीडबैक है ये बहुत अच्छा। कीलेस एंट्री है, स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिकल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको स्कूटर में मिल जाता है जैसे मैंने बताया, और भी बहुत कुछ है। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर मैं डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं क्या कुछ स्कूटर जो है ऑफर करता है। एडिशनली आपको हाई बीम लो बीम का एडिशनल स्विच मिल जाता है, इस समय देख सकते हैं ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाता है इस जगह पे। मैं आपको ऑन करता हूँ, अगेन ये जो है ऑटो लॉक है, ठीक है, इसको एडिशनली आपको लॉक करने का दरकार नहीं होता। आप जस्ट यहाँ पे रुकिए कुछ सेकंड में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, एंड हैंडल भी ये आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो इसको एडिशनली आपको लॉक करने का कोई ज़रूरत नहीं है था, तो ये लॉक हो गया। लेकिन ऑन करने के लिए आपको पासकोड एंट्री करना होगा, या फिर आपका जो स्मार्टफोन है वहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए आपको ये यहाँ पे मिल गया कि की हो गया, ये हो गया, तो बहुत कुछ नहीं हो स्मार्टफोन के अंदर। अब रियल टाइम में आप ये ट्रैक कर सकते हैं आपका बाइक कहाँ पे है, कोई मूव हो रहा है कि नहीं, डॉगल नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। आपका बाइक अगर पार्किंग लॉक पोजीशन में है तो कोई अगर बाइक से छेड़ता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपका बाइक में आएगा, आपका फ़ोन में आएगा रियल टाइम में। और भी बहुत कुछ आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज, म्यूज़िक, तो है बहुत कुछ ही। बाकी फ़ास्ट चार्जिंग ऑप्शन आपको मिलता है, जो कंपनी क्लेम करता है कि 15 मिनट में अगर आप चार्ज करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 60-70 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है, जो कि 15 मिनट में जो फास्ट चार्ज में जो कंपनी क्लेम करता है। अभी मैं, मेरे पास एक सामने में पावर स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, देखूँगा कि क्या होता है, कितने में चार्ज होता है, कितना कॉस्टिंग आता है, तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो और क्या बताने वाला था, सस्पेंशन फीडबैक बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट तो है ही, एंड कम्फर्ट के बारे में बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइडर सीट है, लेडीज़ ट्रैवल करते या फिर तो भी आपको कोई ज़्यादा उतना जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बेसिकली पिलियन सीट, तो वो आपको नहीं मिलेगा ना। वो आ जाता है एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा, जो आप अगर पेट्रोल बाइक चलाते हो तो उस जगह से अगर आप लेना चाहते हो कि एक ईवी में शिफ्ट करना चाहते हो एज इन ओला S1 Pro, तो मुझे इसमें क्या लगा, एक तो है 8.5 किलोवाट का पावर डिलीवरी है, उसके साथ साथ 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें मिल रहा है। पर अगर आप एक इनिशियल पिकअप के बारे में बात करते हो तो इसमें थोड़ा मुझे लो लगा, क्योंकि मैं एक पेट्रोल बाइक चलाता हूँ उसमें मैं अपने हिसाब से पावर गियर के हिसाब से करता हूँ, ऑटोमेटिक मशीन है तो ऑब्वियसली पावर डिलीवरी उसके हिसाब से होगा। एंड वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसका जो पावर डिलीवरी है मुझे कम लगा, क्योंकि मैं पेट्रोल बाइक चलाता हूँ, इसका पावर इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है। तो इसमें मैंने 70 तक रन किया, तो 70 तक इसको बहुत ईजिली ये पिकअप ले रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशन फील हुआ, पर एक ईवी स्कूटर के हिसाब से 70 किलोमीटर पर आवर तक ठीक है। ऊपर से इसमें जितना आप हाई पिकअप या स्पोर्ट्स मोड में रन करेंगे उतना ही इसका क्या होगा,
जो रेंज है वो कम होता जाएगा। ऑब्वियसली इसको लेके वीकेंड में छोटा मोटा ट्रिप कर ही सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही कन्वीनियंट है, कम्फर्टेबल है। तो जो मैंने बताया कि इसका जो पिकअप है थोड़ा सा मुझे डरने लगा, एंड मैं एक फ्लाईओवर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मुझे नीचे की तरफ थोड़ा इफ लाइक मुझे फील हो रहा था कि ये थोड़ा स्कूटर में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा ताकि मुझे ये फ्लाईओवर क्रॉस हो। तो बाकी यही एक मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा, बाकी सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास है, आप ऑब्वियसली स्कूटर के साथ जा सकते। प्राइस मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 170,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली सब्सिडी के साथ। बाकी डिटेल्स आपको शोरूम से मिल जाएगा। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप अगर कोलकाता में हो एंड आपको एक स्कूटर या बाइक चाहिए रेंट पे, चाहे वो एक दिन के लिए हो या वीक के लिए हो या फिर एक मंथ के लिए, तो वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाइक रेंटल सर्विस का। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वेल मेंटेन्ड बाइक रहेगा, सर्विस किया हुआ सब कुछ रहेगा। तो आप उसका भी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सिर्फ कोलकाता के लिए ही अभी अवेलेबल है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें एंड टू व्हीलर राइड करते टाइम राइडिंग गियर पहनना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप फॉलो करते होंगे। नाउ आज के लिए इतना ही गाइस, चलते हैं, टाटा। एंड राइड रिव्यू जो है इस बाइक का बहुत जल्दी आने वाला है।